कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दहशत अब मध्य प्रदेश में भी आ चुकी है। अफ्रीकी देश बोत्सवाना से जबलपुर आई एक महिला की वजह से राजधानी भोपाल से दिल्ली तक हड़कंप मचा है। ये महिला 18 नवंबर को दिल्ली एयरपोर्ट से एयर इंडिया की फ्लाइट से जबलपुर आई थी, लेकिन अब तक उसका पता नहीं चल पाया है। भोपाल में सूदखोरों से तंग आकर ऑटो पार्ट्स व्यापारी के परिवार से सामूहिक खुदकुशी मामले में 5वीं मौत हो गई है। परिवार के मुखिया संजीव जोशी की पत्नी ने भी दम तोड़ दिया। इससे पहले शनिवार देर रात संजीव, इसी दिन सुबह उनकी बड़ी बेटी ग्रीष्मा की मौत हो गई थी, जबकि शुक्रवार को उनकी छोटी बेटी पूर्वी मां नंदिनी जिंदगी की जंग हार चुकी है। राजगढ़ खुजनेर रोड पर बीती रात सड़क पर बैठे गायों के झुंड को बचाने के लिए कार अनियंत्रित होकर पुलिया से कूदकर तकरीबन 40 फीट गहरे कुएं में जा गिरी। हादसे में बजरंग दल के जिला सह संयोजक और हिंदू जागरण मंच के जिला महामंत्री की, दोनों मृतक आपस में बहुत घनिष्ठ मित्र थे, उनकी मौत हो गई है, जबकि कार चला रहा एक अन्य युवक खुद को बचाने की कोशिश में चलती कार से कूद गया। फिल्म फाइनेंसर और बिजनेसमैन प्रकाश जाजू के बड़े भाई का शव महू के पास रेलवे ट्रैक पर मिला है। दीपक जाजू बीमारी से परेशान थे, रविवार शाम वो घर से निकले थे। शुरुआती जांच में पुलिस इसे सुसाइड मान रही है। दीपक जाजू के छोटे भाई प्रकाश जाजू फिल्म एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित और प्रियंका चोपड़ा के सेक्रेटरी रह चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 दिसंबर को वैक्सीनेशन महाअभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में अब तक 62% लोगों को कोरोना वैक्सीन का सेकेंड डोज लग चुका है, लेकिन अब सरकार इनकी संख्या बढ़ाने पर जोर देगी। इंदौर के पास पीतमपुर स्थित सिक्के बनाने की फैक्ट्री से हाल ही में 27 करोड़ 20 के सिक्कों की सप्लाई मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा टकसाल को कर दी गई है। वहां से ये सिक्के RBI के माध्यम से जारी किए जाएंगे, इसके बाद ये बाजार में आएंगे। EMS TV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS News ऐप डाउनलोड करें।